18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आगरा फतेहाबाद रोड स्थित होटल डबल ट्री बॉय हिल्टन में बुधवार को देश भर के प्रतिभाशाली व्यक्ति को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मौका था कि मन की उड़ान संस्था व ब्लास्टर ग्रुप द्वारा आयोजित गोल्डन अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन एसएसपी अमित पाठक, समाज सेवी बबीता चौहान, अभिनेता मुकेश त्यागी, समाज सेवी अशोक जैन, सीए पूरन डाबर, सीएमओ मुकेश कुमार वस्त्र, ब्लास्टर ग्रुप की निदेशक संचल गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में गणेश वंदना की गई। आयोजक एडी संचल गुप्ता ने बताया, ताज नगरी में पहली बार एक साथ देश भर के प्रतिभाशाली शख्सियत को सम्मानित किया गया है। ये वो शख्सियत है जिनको अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए अवार्ड देश कर सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सम्मान पाकर सभी पुरस्कार पाने वाले खुश नजर आ रहे हैं। संचल गुप्ता एडवोकेट, ब्लास्टर ग्रुप इवेंट कंपनी एंड मन की उड़ान फाउंडेशन की डायरेक्टर। जो गोल्डन अचीवर अवार्ड सेरेमनी 2019 आज हमारे आगरा शहर में आयोजित किया गया है, उसका मोटो ये था कि देश विदेश में जो भी हमारे इंडियंस हर फील्ड से, जो 15 हमारी कैटेगरीज थी, जो कई कला का क्षेत्र हो, चाहे लॉ का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, हर फील्ड से हम लोगों ने दो दो अवार्डीज फाइनलाइज किए गए थे, जिसके लिए एक हमारा पैनल अपॉइंट किया गया था। इस पैनल में हमारे बहुत अच्छी अथॉरिटीज थी जिन्होंने एक एक उस अवार्डी की प्रोफाइल को चेक किया। जो प्रोफाइल हमने सर्च की वो था कि है ना, जिन्होंने अपने बूते पर समाज में, सोसाइटी में, देश में, विदेश में अपना नाम अचीव किया है, तो उन अवार्डीज की प्रोफाइल को हमने फाइनलाइज करके उसको एक मंच प्रदान किया है, जो कि आज हम अपने शहर में कर रहे हैं। हमारा ये पहली सीरीज थी और मैं अपने उन अचीवर्स को ब्लेसिंग देती हूँ कि वो आगे भी किसी तरह से काम करें, जिससे कि इस गोल्डन अचीवर का नाम तो रोशन होगा ही, साथ में हमारा देश का भी, कि हमारे देश में भी ऐसी ऐसी शख्सियतें हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपना कार्य कर रही हैं। जैसे मैं खुद एक अधिवक्ता होने के नाते आज मेरी भी एक बुक लॉन्च हुई है। उस बुक का जो मैंने मोटो था कि वो मेरी लाइफ से रिलेटेड बुक थी, जिसका नाम था दर्द बोलते हैं या मेरे अनुभव। तो आज मैंने उस बुक को बुक डे पर, वर्ड्स बुक डे पर ही लॉन्च करने की ठानी थी, तो आज जब इतने लोगों के बीच में जब ये बुक लॉन्च हुई है तो मुझे भी बहुत एक परिचय दे दिया। मैं डॉक्टर नीतू चौधरी, मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, चिकित्सक हूँ और शांति हेल्थ केयर नाम से पैथोलॉजी लैब का संचालन कर रही हूँ। सम्मानित किया गया, कितना कहा जाए, जब आपका काम के लिए आपको सम्मान किया जाता है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? जी, ये बहुत रिवॉर्डिंग है। जब आप किसी भी अच्छे कार्य को करते हो तो आप इस शिक्षा से करते हैं कि आप कुछ अच्छा कर पाए, लेकिन जब उसको लोगों द्वारा सराहा जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो ये ट्रूली रिवॉर्डिंग है, बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम लक्ष्य निगम है और मैं एक बहुत छोटे से शहर उन्नाव से हूँ। उन्नाव यानी चंद्रशेखर आज़ाद की धरती, उन्नाव यानी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती, उन्नाव यानी हजरत मोहानी साहब की धरती, उन्नाव मतलब देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा, हमारे देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे उन्नाव जिले से थे। मुझे गर्व होता है कि मैं उन्नाव की उस धरती का बेटा हूँ। उन्नाव की उस धरती का सम्मान हुआ है, क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के अवार्ड कहा जाए कलाकार को? देखिए, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मुझे एक गोल्डन अचीवर अवार्ड से नवाजा गया है। ये अवार्ड केवल मेरे हिस्से का नहीं है, ये अवार्ड मीडिया के लिए भी है। मेरा अपना अवार्ड जो है वो मैं सबको डोनेट करता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ आप सबकी वजह से हूँ। मीडिया का सपोर्ट है, ऑडियंस का सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, मेरी फैमिली का सपोर्ट है और स्पेशली मेरे मामा राजीव निगम का सपोर्ट है। तो ओवरऑल जो भी अवार्ड है वो आप सबको मिलाकर मुझे मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। कितना मोटिवेशन काम करता है इस तरह का अवार्ड? देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए एक अवार्ड एक मोटिवेशन उसके लिए पर्सनल लाइफ के लिए भी होता है, और सामने वाला जो आर्टिस्ट है, अगर आपके साथ में कोई बंदा काम कर रहा है, उसके अंदर भी टैलेंट है, ह्यूमर है, वो भी कुछ करना चाहता है, तो उसके लाइफ स्टाइल में भी वो आप उसको हेल्प कर सकते हो। और आपसे कई लोग इंस्पायर होंगे कि लक्ष्य निगम को आज अवार्ड मिला है, तो अगर हम ऐसे होंगे तो कल मुझे मिलेगा। आप युवा हैं और युवा अब इस चक्कर में पड़े, आरक्षण मिले, हमें फलां कैटेगरी में ले लिया जाए, हमें फलां कैटेगरी, क्या लगता है ऐसा कुछ होना? जो ससुरे पड़े हैं वो जाने अपने को क्या लेना देना, हमारा काम है दुनिया को हंसाना, वो मैं कर रहा हूँ। हंसाने में कोई आरक्षण देना चाहे तो मुझे दे,
मैं लेने को तैयार हूँ। मुझे कोई 15 लाख दे, मैं लेने को तैयार हूँ। राहुल गांधी के 72,000 अपने को चाहिए नहीं, क्योंकि मोदी जी ने नहीं दिए 15 लाख, तो राहुल गांधी क्या देंगे 72,000। आगरा से इमरान खान की खास।